क्या आप भी चाहते हो कि आप लोग भी ऐसे ही सिनेमैटिक शॉट्स बनाएं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में? तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो आज मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स बना सकते हो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम सुष्मित और आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ रिप्ले मोड, वो भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए। और जी हाँ, ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए तो आप लोगों को समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं एक वर्ल्ड बना लेता हूँ अपने लिए। ओके, मैं वर्ल्ड को क्रिएटिव रखने वाला हूँ। फिलहाल मैं नाम लिख देता हूँ वर्ल्ड का नाम और क्रिएटिव रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये वाला रिसोर्स पैक है, इससे आप लोग का अचीवमेंट्स भी ऑफ नहीं होता है, लेकिन वही आप लोग को क्रिएटिव करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये रिसोर्स पैक मैंने लगा दिया रिप्ले मोड का, आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसका, रिप्ले मोड का। ओके, अब मैं वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब मैं अपना वर्ल्ड में आ गया हूँ। अब मैं आप लोग दिखाऊंगा, मतलब सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे रिप्ले मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को सेटिंग्स में जाना है। अब आप लोग को वीडियो सेक्शन में जाना है। वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आप लोग को अपना एफ ओ बी 40:30 कर लेना है। आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं जैसा कि मैं रखा हूँ एफ ओ बी। और आप लोग को कैमरा पर्सपेक्टिव को 3rd पर्सन बैक कर देना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आप लोग को क्रिएटिव मोड से 2 आइटम्स निकालने हैं। यहाँ शॉर्ट वाले सेक्शन में जाना है। आप लोग को ये रिप्ले रिकॉर्डिंग और ये क्रिएट रिकॉर्डिंग, ये दोनों को एक एक के साथ रख देना है, मतलब अलग अलग, जैसे कि मैं रखा हूँ स्लॉट में, अलग अलग स्लॉट में रखना है। जैसे मैं रखा हूँ, आप लोग इसको पकड़िएगा रिकॉर्ड, मतलब क्रिएट रिकॉर्डिंग को। फिर उसके बाद प्लेस के बटन में आप लोग को क्लिक करना है, फिर स्लॉट चेंज करना है। तो आप लोग का 5 सेकेंड के लिए रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अब 5 सेकेंड मेरा पूरा हो गया है। अब मैं रिप्ले रिकॉर्डिंग को होल्ड करूँगा तो देख सकते हैं कि आप लोग का ये एनिमेशन दिख रहा है। आप लोगों को बाद में जाके रिप्ले रिकॉर्डिंग को आप लोगों को स्लॉट में जैसे हाथ में लेंगे वैसे ही आपका ये चलेगा सिनेमैटिक्स। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ 5 सेकंड के लिए होता है ये सिनेमैटिक्स। अब मैं हाई हर्ड कर दिया हूँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सिनेमैटिक्स रिकॉर्ड हो गया है, मेरा सिनेमैटिक्स जैसा अच्छा लग रहा है। और मैं पहले बता दे रहा हूँ 5 सेकंड के लिए ये सी आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। और बाकी आप लोग 5 सेकंड जोड़ जोड़ के आप लोग बहुत सारे अच्छा अच्छा एनिमेशन बना सकते हो। अगर आप लोग को ये चीज़ को छुपाना है आप लोग को अपना एनिमेशन में, मतलब सिनेमैटिक्स में, तो आप लोग एक जुगाड़ कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, क्रिएटिव से कोई सा भी ब्लॉक्स ले लीजिएगा जिससे कि आप लोग इसे छुपा सके। पहले तो मैं ये ग्रास ब्लॉक यहाँ पर ले लिया हूँ, तो ग्रास ब्लॉक से मैं छुपाऊँगा ये चीज़ को जो भी मेरे हाथ में दिख रहा है। तो मैं इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ऐसे अपने हिसाब से, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग जुगाड़ बैठा के आप लोग छुपा सकते हैं अपना सिनेमैटिक्स से, इसे लोगों को पता उतना नहीं चलेगा। और मैं हाइड हट कर देता हूँ, देख सकते हैं अब ये छुप चुका है थोड़ा सा। या फिर आप चाहे तो उतना दूर आप क्रॉप कर सकते हैं, जितना दूर आप लोग को वो दिख रहा है ना, आप नीचे से क्रॉप कर सकते हो। तो आप लोग को इस तरह का सिनेमैटिक्स मिल जाएगा जो कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ये चैनल बहुत अच्छा है। और हाँ, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो तब तक के लिए शिप्स में साइनिंग ऑफ।